ऊंचा कर दिया है ताकि प्लास्टर में वो गायब ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके सीधा। एक नई की वीडियो में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज मैं जा रहा हूँ एक एसी का पाइपिंग करने के लिए, तो चलो देखते हैं वहाँ पे किस तरह से पाइपिंग करना है। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करना यार। ये मेरा हेल्पर है ये भाई साहब, देखो आज दिया हूँ हेल्पर। नहीं चुतिया बना रहा है, ये चुतिया बना रहा हूँ मैं, सारा वीडियो ही खराब कर दूंगा। ये बता चुतिया, ये मजाक नहीं कर रहा, उसको मैंने काम सिखाया है, लगभग एक सीजन मेरे पास काम किया है। अब मेरी उम्र का ज्यादा है ना, तो मेरे से ज्यादा उम्र का है, तो इसलिए थोड़ा मस्ती कर लेता भाई साहब। नोएडा का ये बिल्डिंग सब देख सकते हो, ये चाहत कंपनी है और चाहत बहुत बढ़िया नाम रखा है। लेकिन पाइप आपका ये क्वार्टर का है, ठीक है दोस्तों। और देखिए बहुत लंबी पाइपिंग है, यहाँ तक ये सेट है। यहाँ के ठेकेदार भाई साहब पूरे बिल्डिंग का ठेका ले रखे है। भाई साहब पूरा बिल्डिंग आप ही बना रहे हो ना? पूरा बना रहा हूँ भाई। अच्छा, कितना लाख रुपए करोड़ रुपए लगा इसमें? अभी तो लाख रुपए लगे होंगे, कम से कम तकरीबन 40,000-40 लाख के आसपास। 40 लाख इस वाला फ्लोर का, ये दोनों तीनों मिला के फ्लोर मिला के 40 लाख। 40 लाख। तो ये भाई साहब ठेकेदार थे, बोल रहे ज्यादा हम डिटेल में नहीं बताएंगे, हमारा धंधा है और इसका जो मकान मालिक है वो देख लेगा आराम से। भाई साहब हमारा नुकसान हो जाएगा। तो पाइपिंग पूरा लंबा, देखिए यहाँ पे इंसुलेशन है। और पाइपिंग कैसे करना मैं बताता हूँ सभी को। ये देखो यहाँ पे जर्री कटा हुआ है, ये जो पाइप दिख रहा है ना, यहाँ से जर्री कटा हुआ है ऐसे करके। ये जो पाइप दिख रहा है सीधा जाकर के कोपर पाइप बाहर जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पाइपिंग को मैं इंसुलेशन लगा देते हैं, पहले इंसुलेशन डाल लेते हैं फिर मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो इस तरह से इसमें इंसुलेशन लगाना है दोस्तों, और आराम आराम से लगाना है ताकि इसका जो वो है ना वो फटे ना, है ना। और मैंने यहाँ पे मुंह पे मैंने टेप मार लिया मैंने इसके मुंह पे, ताकि इंसुलेशन गिरे ना उसमें, और ये साला बहुत कमजोर हो रहा है। पूरे में टेपिंग कर लेंगे बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों अब इसमें हम टेपिंग कर रहे हैं सेक्शन, और हाफ का क्वार्टर का पाइप को लगा दिया मैंने आपस में, वायर भी इसके अंदर, ठीक है। और ऐसा मैं लगा रहा हूँ ताकि जो दीवार के अंदर कहीं भी ज्वाइंट ना पड़े, अगर पाइप छोटा पड़े तो उस हिसाब से मैंने पूरा नाप लिया है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको एक टेप है, ये देख सकते हो ये बड़ा सा BRB टेप है, आपने बहुत कम देखा होगा मार्केट में, आप ले सकते हो, बढ़िया गम आता है इसमें, और वो टेपों से ये बेहतरीन टेप है, एक बार यूज करके देखो। हर ये इंसुलेशन के लिए सही है, पाइप के इंसुलेशन के लिए देखो कितना बढ़िया तरीके से, मतलब ये हर शॉप पे अवेलेबल होती है वाले, ये किसी भी एसी के स्पेयर पार्ट में मिल जाएगा, है ना। बोलना BRB टेप के लिए, BRB टेप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे पाइपिंग कर दिया, ये जो पाइप दिख रहा है ड्रेनेज पाइप है, बाकी ऊपर से कॉपर पाइप गया हुआ है सीधा, ठीक है। बाकी ये जो ड्रेन पाइप है सीधा यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ नीचे आया हुआ है, फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके एक लंबी पाइप होगा उधर से जाएगा बाथरूम में, ठीक है। ये पैकिंग टेप हम इसमें मतलब साइड साइड में मार दिए ताकि उसके अंदर धूल मिट्टी ना घुसे, ठीक है। तो वहाँ से उसको पाइप को ऊँचा कर दिया है ताकि प्लास्टर में वो गायब ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके सीधा ऐसे ऐसे करके दोस्तों यहाँ से बाहर है, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ से सीधा बाहर है, आउटडोर बाहर में लगेगा। बाकी आप लोग मुझे बताना है किस तरह से ये पाइपिंग हुआ है, कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, टेक केयर एंड बाय।